नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ा उसका इंट्रो और थोड़ा बेसिक जाना था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग। जो नेमिंग हमारा टॉपिक है ना, वो क्लास 10th के लिए तो जरूरी है ही, साथ में क्लास 11, 12 और जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, उनके लिए भी काफी जरूरी टॉपिक है। ठीक है, जिसने नेमिंग को समझ लिया वो उसके बल्ले बल्ले, जिसने नहीं समझा थल्ले थल्ले। ठीक है, एक बात समझो कि ना, जैसे कोई पंडित है, उसने पूरी आचार विद्या ले ली बट उसको राशि के हिसाब से नाम बोलना नहीं आया। ठीक है, तो वही यहाँ पे आया। किसी ने पूरा ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ लिया, पूरा ऑर्गेनिक जो हमारा पार्ट है केमिस्ट्री का पूरा पढ़ लिया बट उसको नेमिंग नहीं आई, तो कुछ नहीं कर सकता। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले दो तीन जरूरी चीजें हैं, उन्हें बताना चाहता हूं। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब हमारा हाइड्रोजन से है और कार्बन मीन्स आप सबको पता है कार्बन। तो हमारे ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हमारे जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब कि कार्बन हमारा किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, हमने दो कार्बन लिए, एक कार्बन लेते चलो। ठीक है, हमने एक कार्बन लिया, हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार। अभी क्या करेगा, चार हाइड्रोजन के साथ मिलके अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसने करा अपनी वैलेंसी को कंप्लीट। तो देखो यहां पे क्या क्या है, हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसी को हम क्या कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन होता है। ये होता है हमारे हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दो चीजें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो समझते हैं। सबसे पहले बात आती है सैचुरेटेड की। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा होता है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। ठीक है, हमने देखा था क्या होता, हमारा हाइड्रोजन था, हमारे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा था, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो समझ आ गया होगा शायद, और अगर किसी को अभी भी नहीं आया तो फर्स्ट पार्ट जाके देखो, उसे समझ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो हमने उसे क्या नाम दिया था, सिंगल बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आगे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, कार्बन की बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, वो होता है हमारे सैचुरेटेड। अब बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या, या तो डबल या फिर ट्रिपल। अब यहां पे बच्चे कहते हैं भैया यहां पे तो सिर्फ, यहां पे तो सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे समझने के मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड आ रहा होता है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि हर कार्बन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, किसी भी एक कार्बन पर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर होने का तो सिंगल बॉन्ड भी है तो सैचुरेटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। समझ आ गया? दोबारा समझते हैं एक बार। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हमारे वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें किसी भी एक कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। आगे बढ़ते हैं, इसी के बेसिस पे एक चीज है हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे तीन नाम लिख रहा हूं, ठीक है, तीनों नाम देखे देखे लेंगे आपको, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है, एन, इन और आइन। फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे इनकी फॉर्मूले भी लिखता हूँ, फॉर्मूले क्या आगे बताऊंगा, फॉर्मूले क्या है इनके, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन, यहाँ पे सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे हमारा एन क्या होगा, वन टू थ्री फोर इन्फिनाइट तक, समझ आ गया। एन की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तीन चीजें लिखी है, इन तीनों का पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर जाके इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं कि फॉर्मूला हमने क्यों लिखा है, इससे क्या चीज समझ आती है, ठीक है। सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेन क्या होता है, इथेन मतलब हमारा, देखो मैथ मतलब जिसमें एक कार्बन आता है, इथेन मतलब जिसमें हमारे दो कार्बन है, इथेन मतलब दो कार्बन, ठीक है, इथेन मतलब दो कार्बन, मैं दो कार्बन लिख दिए। एन, एन मतलब हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब दो कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इतना क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, ये जो यहाँ पे मैंने सीरीज लिखी है क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन। मैथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, प्रॉप मतलब तीन, बट मतलब चार, पेंट मतलब पांच, हेक्स मतलब छह, हेप मतलब सात, मतलब इतने कार्बन है पीछे, ये एन मतलब इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। फिर यहां देखो, सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड को दो डंडों से, ट्रिपल बॉन्ड को तीन डंडों से, इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, मैंने क्या लिखा था, इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, सबसे पहले बना दिया, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी कैसे कंप्लीट करूंगा, यही फॉर्मूला वही काम आता है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ कार्बन की वैल्यू होती है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं, दो, मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा, ठीक है, n हमारा टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट करा टू टू से फोर प्लस टू, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया क्या है, सी टू एच सिक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। मैं इसमें नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन लगाता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्लियर है। अब मैं देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी काउंट करता हूँ, वैलेंसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। इस वाले कार्बन ने, ध्यान से सुनना, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करा तो पांच हो गए, फिर एक यहाँ इसको इस हाइड्रोजन से मिला छः, एक यहाँ इसको इस हाइड्रोजन से मिला सात, एक यहाँ इसको इस हाइड्रोजन से मिला आठ। तो चलो जी, इसका तो हो गया कंप्लीट। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, एक इसने इस कार्बन के साथ शेयर करा है पांच, एक यहां से इसको मिला छह, यहां से इसको मिला सात, यहां से इसको मिला आठ। तो भाई इनकी वैलेंसी क्या हो गई है, कंप्लीट। तो ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, बट इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, वो क्या चीज होती है वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले फिर से फॉर्मूला देखते हैं, क्या था, इथेन मतलब इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हमने पहले इनके सिंगल बॉन्ड के लिए, हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ, ठीक है। अब वैलेंसी बची हुई तीन थी, तीनों दोनों कार्बन की, हमने लगा दी भाई,
यही था। ठीक है, अब इसके लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 6 हाइड्रोजन चाहिए हमें। ठीक है, 6 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, जिसको हमने इससे दिखाया डॉट से। ठीक है जी, हो गया इतना। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं कंप्लीट हुई या नहीं हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है जी, अब यहां हाइड्रोजन की वैलेंसी देखते हैं कंप्लीट हुई, 1, 2, 1, 2, 1, 2। कार्बन की हो गई। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये था इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो कार्बन की वैलेंसी को क्रॉस से दिखाना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को डॉट से दिखाना है, डिटो यहाँ कॉपी कर देना है बस। यहाँ पर याद रखना सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब एक इसका शेयर होगा इस वाले कार्बन का और एक इस वाले कार्बन का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डबल बॉन्ड बनाते हैं, इतना समझ आ गया होगा सबको शायद। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे मैं इथेन के बनाएंगे हम। अब इथेन क्या होता है, 2 कार्बन, मतलब इथेन मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन लगा दिए। ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे चाहिए इसमें कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, क्या कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है फॉर्मूले में पुट करता हूँ, सी की वैल्यू हमारी, एन की वैल्यू हमारी 2 है, सी एन एच 2 2 4। ओ इस बार कितने कार्बन हाइड्रोजन लग रहे हैं हमारे, 4। तो मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये तो बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो फिर से देखो कितने कार्बन है, इथेन मतलब 2 कार्बन, क्या है डबल बॉन्ड है, इथेन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर क्या होते हैं, शेयर होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के शेयर होंगे। ठीक है जी, समझ गए जी, ओके जी। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक एक बचे, मतलब कितने, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, इसके 4 थे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 चाहिए, और कितने 4 लगा दो 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी को डॉट से दिखाया, दिखा दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, हाँ इसकी हो गई, इसकी हुई, हाँ हो गई, इस कार्बन की हुई, देखते हैं गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ इसकी तो हो गई, इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन कंप्लीट हुए, हाँ हो गए, हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, हाँ हुआ, कार्बन कंप्लीट हुआ, देखते हैं, हाँ हो गया जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा बन गया इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले हमने एन का बनाया था, फिर इन का बनाया, आयन की बारी आती है, वो आप लोग खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे बताना। ठीक है, एक बात मैंने यहाँ पे याद रखना, हमने देख लिया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर किसी को भी, देखो क्या होता है ना, हमने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, ठीक है, हम नेमिंग पढ़ लेंगे वो भी काफी बड़ा टॉपिक है, हम रिएक्शन पढ़ लेंगे वो भी काफी बड़ा टॉपिक है, बट क्या होता है कुछ बच्चों के ना थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं होते। शर्म की बात नहीं है, किसी किसी के नहीं होते, किसी को नहीं पता मैंने ये हाइड्रोजन कैसे लगाए, किसी को नहीं पता डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, किसी को ये नहीं पता कि मैंने जो ये हाइड्रोजन शेयर करे कैसे शेयर करे, जो यहाँ पूरी कहानी लिखी थी मैंने अभी तक, वो किसी को समझ नहीं आई होगी, किसी को वैलेंसी निकालनी नहीं आती होगी, किसी को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने नहीं आते होंगे। ठीक है, जो भी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप नीचे बताते हैं कमेंट करके, हाँ हमें बेसिक के लिए एक अलग सी वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, बट मुझे बताना कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है पूरी केमिस्ट्री को लेके। केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं अभी तक, जितने भी फर्स्ट चैप्टर से लेके फिफ्थ चैप्टर तक, जो भी आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं लगते आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। मैंने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया, हाइड्रोकार्बन बता दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग की तरफ, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी अन अकेडमी ने एक करियर क्विस्ट ऑर्गेनाइज की है। अगर आप लॉ,
पॉलिटिक्स, राइटिंग या फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको अन अकेडमी पर गाइड करेंगे कि इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टाइमिंग है 20 दिसंबर को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ठीक है जी, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो लिखा है वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं कि एक कार्बन को मैथ, 2 को वैद, 3 को प्रोप, 4 को बट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डबल ट्रिपल बॉन्ड और उनके फॉर्मूले। फिर मैंने यहाँ लिखा है फंक्शनल ग्रुप्स और यहाँ पे ब्रांचेस। फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचेस क्या होते हैं, नेमिंग जैसे स्टार्ट करेंगे साथ साथ में सीखते रहेंगे। बेसिक से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में उसके रूल समझते हैं। नेमिंग के ना कुछ रूल होते हैं। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, आयुपैक नेमिंग, ठीक है। क्या सीख रहे हैं, आयुपैक नेमिंग, ठीक है। अब ये आयुपैक नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, नेमिंग लिखते हैं साथ साथ में रूल्स को भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, मैंने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करे, ठीक है जी। अब मुझे इसका नाम लिखना है। नेमिंग का सबसे जो पहला रूल आता है वो क्या होता है कि हमें कार्बन कंपाउंड्स की एक लंबी सी स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हो। क्या हमें कार्बन कंपाउंड से एक लंबी सी स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हो। पहला रूल लिख लिया, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। हमने क्या करा, एक लंबी सी चेन सेलेक्ट करी जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन हमारे क्या हो, सबसे ज्यादा हो। मैंने लंबी सी चेन सेलेक्ट करी क्योंकि एक ही चेन थी तो हमें दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब मैंने नंबर्स ऑफ कार्बन गिनने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, ठीक है जी, पेंट कहते हैं। जो हम शर्ट के नीचे पहनते हैं वाली पेंट नहीं, पेंट, ठीक है। अब 5 को हम पेंट कहते हैं। फिर हमने क्या देखना है, क्या इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। क्या इसमें ब्रांच निकली पड़ी है, इनमें से कुछ और नहीं निकली। क्या फंक्शनल ग्रुप लगे पड़े हैं, नहीं लगे। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप ब्रांच, लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड का समझ आ रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच का आगे बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो हमारा कुछ नहीं लगा, हमने क्या देखना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दी, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ देखो, एन कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, पेंटेन। ऐसे ही मैं एक कार्बन एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या करा, ये लिया, मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट करे, हाँ जी कर दिए, ठीक है जी। अब क्या करना है, फिर से पहला रूल, लंबी सी कार्बन की चेन से रख करने जिसमें हमारे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कार्बन हो, ठीक है जी। मैंने कर दी, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कहते हैं प्रॉप, लिखा मैंने सिंगल बॉन्ड है सब में, क्या रहेगा, एन रहेगा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की बारी आती है कि अब हमने सिंगल बॉन्ड की नेमिंग देखी, अब डबल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, एक क्या एग्जांपल लिखा मैंने, ठीक है, मैंने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करे। अब इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग का सबसे पहला रूल वही कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। 4 को हम, ठीक है, 4 लिख दिया हमने। अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है। हमने देखा इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो अब हमें इस डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, हमने क्या लिखा, ब्यूटीन लिख दिया, ठीक है। हमने नेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, हम नेम तो लिख देते हैं, हम पूरा देख रहे थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके हिसाब से हमें नाम लिख देना है, हमने उसका नाम लिख दिया। यहाँ पर हम दिक्कत यहाँ पे क्या आती है ना कि हमें क्या देखना है कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे लगा हुआ है। क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे कार्बन चेन में लगा है तो कौन से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पे लगा, मतलब कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे लगा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस कार्बन की नेमिंग करनी पड़ेगी। मैंने नेमिंग स्टार्ट करी, नंबरिंग सॉरी, एक दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये और एक चौथे पे ये। तो जब हम यहां से यहां को, हमने क्या देखा, तीसरे नंबर ऑफ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, नाम लिखा पहले,
चार को हम कहते हैं बट, फिर हमारा क्या देखा, तीन नंबर पे क्या लगा हमारा, डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है। ओके, तो मैं कहता हूं ये गलत है। आप गलत क्यों है वो देखो, हमें अगर कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सबसे ज्यादा पास आता है, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करूं, एक दो तीन और एक चार, मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी, तो क्या वो जो ये डबल बॉन्ड आया था कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर आ रहा है, कौन से पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर आ रहा है। तो यहां से हमें तीसरे नंबर पर आ रहा था, यहां से हमें पहले नंबर पर आ रहा था, तो हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, तो इसका नाम हमारा क्या हो गया, बट पहले पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है, देखो नाम ना जैसे ये भी सही था, क्योंकि एक की वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। बट क्या है कि तुम्हें क्या कहते हैं, रूल बताने के लिए मेरे को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सही नाम है। हमें क्या देखना, सबसे पहला रूल कि लंबी सी कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे नंबर्स ऑफ कार्बन हो, फिर हमें देखना उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, बाई चांस डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें उसको भी इंक्लूड करना है। लेकिन हमें क्या देख रहे हैं कि हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़े, सबसे ज्यादा क्लोज पड़े। ये मैंने लिख दिया, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पे। मैंने एक एग्जांपल और लिया यहां पे, ठीक है छोड़ो। अब इसका नाम लिखने की बारी आती है। फिर से एक बात बोलता हूं, मैंने कैसे इसे हाइड्रोजन कंप्लीट करा है फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, बट अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हो, फर्स्ट पार्ट जाके देख सकता है। अगर उसे तब भी समझ नहीं आता तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी जहां पर आपको केमिस्ट्री का 10th क्लास का पूरा बेसिक समझाया जाएगा, ठीक है। 9th 8th में जो हम पढ़ते हैं, जो बेसिक हमारा होता है वो पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, वो आपको उस वीडियो में समझाया जाएगा। आप कमेंट कर देना बस अगर आपको नहीं आता तो। तो मैंने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। पहला रूल, कार्बन की लंबी सी चेन सेलेक्ट करी, हाँ जी कर ली। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच को कहते हैं हम पेंट कहते हैं। इसके बाद हमें देखना है क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, हाँ जी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर ध्यान क्या रखना है, हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड कहाँ से, जहां पे हमारा डबल बॉन्ड क्या है, पास है। मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी तो क्या होगा, एक दो तीन चार और एक पांच। ओके जी, मैंने फिर यहां से भी वो नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, पहले मैंने यहां से की थी, अब मैं यहां से कर रहा हूं, एक दो तीन चार और एक पांच, ठीक है जी। तो अब क्या है, यहां से हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां से हमारे दूसरे नंबर पर, तो हमारा पास कौन सा है, याला। तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमने क्या करा, पेंट लिखा, नंबरिंग स्टार्ट करी, एक दो, दो पर हमारा क्या आ रहा है भाई, दो पर हमारा क्या आ रहा है भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने क्या लिखा डबल बॉन्ड को, इन। तो हमारा इसका नाम क्या पड़ गया, पेंट टू इन। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा शायद अभी तक, ठीक है। एक बार ट्रिपल बॉन्ड को लेकर चलते हैं, यहाँ पे लास्ट नेमिंग करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, फिर से वही, सबसे पहले लंबी सी कार्बन चेन सेलेक्ट करी, हाँ जी करी, नंबर्स ऑफ कार्बन गिने, कितने हुए, एक दो तीन चार, चार हुए जी, नाम लिख दिया। फिर क्या देखना, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ जी ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग करते हैं। अब क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है जहां से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पास आए। हमने देखा यहां से करी नंबरिंग, पहले क्या आया, एक दो तीन और एक चार। यहां से नंबरिंग करके देखते हैं, एक दो तीन और एक चार, गिनो। यहां से नंबरिंग करने पर दूसरे पर आ रहा है, यहां से भी दूसरे पर आ रहा है, ठीक है। यहां से भी देखो दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से भी दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्यूट टू आई। ऐसे हमें नेमिंग करनी है, समझ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लंबी सी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर देखना डबल ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारा नजदीक आए। समझ आ गया इतना, ठीक है जी।
तो हमने याली सीरीज देख ली, याली सीरीज की नेमिंग देख ली, अब देखते हैं इस वाली सीरीज की नेमिंग। एक बात मेरी और याद रखना, क्या कि नेमिंग तो हमने कर ली, जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है वो हमारे इस सीरीज के पीछे लिखा जाता है। देखो पहले हमने क्या लिखा, नंबर्स ऑफ कार्बन, फिर हमने लिखा डबल ट्रिपल बॉन्ड। ये बात मेरी याद रखना, क्या क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कौन सी चीज कहाँ पाएगी, कौन सी चीज कहाँ लेगी। तो क्या सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन के ठीक पीछे लिखा जाता है क्या उसका बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग में, थोड़ा सा आगे की नेमिंग सीखते हैं। नेमिंग काफी इजी पार्ट है, बस थोड़ा कंफ्यूज मत होना और रूल्स पे थोड़ा ध्यान रखना। रूल्स वैसे ध्यान रखने में कुछ है भी नहीं, क्योंकि हमें सारे ना हमारे फिंगर्स पर हमें रूल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर तुमसे कोई नेमिंग करवाए ना तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम्हें ऐसे याद हो रूल्स, ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठा लो, बात खत्म। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये देख लिया नंबर्स ऑफ कार्बन, फिर हमने वो देख लिया, अब देखते हैं जब ब्रांच लगती है तब नेमिंग कैसे करते हैं। ओके ब्रो, टाइम कितना बचा है, बहुत है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, मैंने लिया ये कार्बन कंपाउंड, बनाया मैंने एक, ठीक है जी, नेमिंग करते हैं। ओके, पहला रूल क्या था, लंबी सी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी जिसमें हमारे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ कार्बन हो। तो अब देखो यहां पे क्या है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, ये है जैसे हमारे पास ये है ऊपर, कुछ तो ऐसे जाएंगे, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, तो इसमें आ रहे हमारे 5 नंबर ऑफ कार्बन, कुछ क्या करेंगे ऐसे जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ कार्बन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं। तो तुम चाहे ऐसे स्ट्रेट जाओ, चाहे ऐसे स्ट्रेट जाके नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या आ रहे हैं नंबर्स ऑफ कार्बन 5 आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूँ ऐसे करके, तो हमारी इस वाली चेन में 6 नंबर्स ऑफ कार्बन आ रहे हैं और इसमें 5 आ रहे हैं, तो हमारी ज्यादा किसमें स्ट्रेट में, और इस टर्न वाली में क्या है कम है, तो हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे, नेमिंग इस वाली चेन से स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखना कि हमें क्या करना है, देखना है किसमें नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे हैं, हमें धोखे में नहीं जाना। ठीक है ना, ओके, तो हम इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रेट जाए तब भी 5 है, स्ट्रेट ना जाके नीचे गए तब भी 5 है, तो हमने क्या करना, हम स्ट्रेट गए भाई, हमारा मन है स्ट्रेट जाने का। ठीक है जी, हम स्ट्रेट गए, स्ट्रेट जाने पर हमने क्या देखना है, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। फिर देखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को एन, तो पेंट टेन हो गया। ठीक है जी, इतना हो गया। आप देखो क्या है, कुछ क्या ना नेमिंग यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे नेमिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारे पास एक ये भी है, ये बेचारा तो लावारिस रह गया, इसका तो हमने नाम लिख लिया, ये बेचारा तो लावारिस रह गया, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप। इसके नाम के लिए हमें क्या देखनी है, याली सीरीज देखनी है, जो ये इसमें बाहर निकला पड़ा है ना, ये इसकी ब्रांच है। ब्रांच मतलब भैया पेड़ हमारा नीचे से उठता हुआ आ रहा है, पेड़ आया ऊपर आके उसमें क्या निकलती है, उसकी टहनियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारी स्टेम जो थी, पेरेंट जो हमारी चेन थी वो थी, और इसमें एक क्या निकला है, एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी, क्या है, ब्रांच है। तो इन ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ब्रांच में हमें क्या देखना है कि क्या चीज है हमारी ब्रांच में, सी है और 3 क्या है, एच है, तो उसे हम क्या कहते हैं, CH3 को मिथाइल, 1 सी है, 3 एच है। यहाँ पर देखो मैथ है, 1 सी को मैथी कहते हैं, बस लास्ट में क्या लगे यहाँ पर, वाई एली। तो एक CH3 को मिथाइल, अगर C2H5 दिख रहा है, 2 सी दिख रहे हैं ब्रांच के बाहर, तो उसे कहते हैं इथाइल। अगर बाई चांस CL या BR दिख रहा है, क्लोरो या ब्रोमो कहते हैं, नेमिंग करेंगे इसके भी। तो हमने क्या देखा, ब्रांच में हमारा बाहर क्या दिख रहा है भाई, हमें मिथाइल दिख रहा है। तो एक चीज और, डबल ट्रिपल बॉन्ड को लगाते हैं नेमिंग के पीछे, देखो यहां पर नंबर्स ऑफ कार्बन लिखा, ये नंबर्स ऑफ कार्बन लिखे, नंबर्स ऑफ कार्बन के पीछे लगाते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं पहले, उसके पीछे हमारे उसके बॉन्ड लगते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है। और अगर ब्रांच लिखनी है, ब्रांच लगती है आगे फ्रंट में, ठीक है, यहां पर हमारी क्या लगती है, ब्रांच। एक चीज याद रखना मेरी, क्या नंबर्स ऑफ कार्बन के पीछे लगता है उसका बॉन्ड और उसके आगे लगती है उसकी ब्रांच, मतलब हमारा ये क्या हो गया, सर नेम, और एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा, मिस्टर, या जो हम मिसेस लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा नेम है, नेम के जो पीछे सर नेम लगता है उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, और जो नेम के आगे मिस्टर मिसेस लगता है वहां पर हमारी ब्रांच आती है, ये चीज मेरी याद रखना। ठीक है, इससे बच्चे कंफ्यूज आते हैं थोड़ा। तो हमने देख लिया
तो सबसे पहले हमने नंबर्स ऑफ कार्बन लिखे, पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दिया। अब इसके ब्रांच की बारी आ रही है, ब्रांच हर बार आगे लिखते हैं, ठीक है जी। तो ब्रांच कहते हैं हमारी मिथाइल, तो हमने क्या लिखा, मिथाइल पेंटेन। बट यहाँ पे भी यार एक गलती कर दी, क्या, नंबरिंग। नंबरिंग हमें हर सीसी करनी है, अगर हमारा वो आता है डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात तब भी नंबरिंग करनी है, अगर ब्रांच की बात है तब भी नंबरिंग करनी है। हमने नंबरिंग करी यहाँ से पांच, यहाँ से भी करेंगे फिर एक बार, यहाँ से भी करी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। तो क्या देखा, यहाँ से आई थी फोर्थ नंबर पर ब्रांच, यहाँ से आई थी सेकंड नंबर पर ब्रांच, तो हम इसको कैरी करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टू मिथाइल पेंटेन। समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारा सी एल, तो क्या आएगा, टू क्लोरो पेंटेन। अगर मैं यहां पे लिखता हूं बी आर, तो क्या आएगा, टू क्लोरो और टू ब्रोमो पेंटेन। समझ आ गया नंबरिंग। थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैंने एक ही एग्जाम्पल और लिया है, फिर देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और लिया है, सबसे पहले वही लंबी सी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, करी भाई हमने, याली चेन लेते हैं हम, याली चेन, कौन सी चेन, याली चेन ली हमने, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छः नंबर्स ऑफ कार्बन है, कुछ बच्चे आएंगे यहाँ से ऐसे नीचे को आएंगे, याली चेन सेलेक्ट करी हमने, एक दो तीन चार पाँच छः, दोनों में छः छः, तो हम याली चेन सेलेक्ट करते हैं, याली हमने क्या करा, छः को क्या कहते हैं, हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है ए, बिना सोचो समझे लिख दो। फिर अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है, ये क्या है, दो सी मतलब सी टू एच फाइव मतलब इथाइल। अब क्या, कौन से नंबर पर आ रहा है, यहाँ से करने पर आ रहा है एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ से करने पर आ रहा है एक दो तीन, तो इसका नाम क्या हो गया, थ्री इथाइल हेप्टेन। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन को तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ देखो जरा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, फिर से वही नेमिंग करनी है, नेमिंग हमने करी, सबसे पहले लंबी सी कार्बन चेन सेलेक्ट करी, कर ली, नंबर्स ऑफ कार्बन इनके कितने हैं, एक दो तीन चार, चार को कहते हैं कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या है हमारा, आ रहा है यहाँ पर हमारी ब्रांच भी आ रही है। तो जब भी हमारी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर हमारी ब्रांच और हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए, तो हमें वहाँ पे क्या करना है ना, हमें वहाँ पर प्रेफरेंस किसको देनी है, हमें किसको ज़्यादा आगे रखना है, डबल या डबल बॉन्ड को, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब यहाँ पर सीरीज क्या चलती है, सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद देनी है ब्रांच को। मतलब नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां से हमारी ये डबल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पास है और ब्रांच बाद में आए। देखो बताता हूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, एक दो तीन चार, हमारी ब्रांच पहले आ रही थी नंबर पे और हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा था, बाद में आ रहा था, ठीक है। तो ये गलत है, मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं एक बार, एक दो तीन और चार, यहां से करने पर हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है जबकि ब्रांच क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो हमें ये वाली सीरीज फॉलो करनी है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पहले आए और ब्रांच बाद में आए। तो मैंने क्या करा, ब्यूटेन लिखा, नंबरिंग स्टार्ट करी कहां से, जहां से डबल बॉन्ड हमारा क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा, किस नंबर ऑफ कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड आता, दो पे, तो क्या लिखा, ओके भैया समझ आ गया। अब हमारा ये बच रहा है, ये हमारा क्या है, हमें पता है मिथाइल कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे पर आ रहा है, तो क्या लिखा, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल बट टू इन। समझ आ गया, ऐसे नेमिंग होती है। क्या एक चीज याद रखनी कि जब भी हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ब्रांच आ जाए तो हमें सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या है, नजदीक आए। इतना समझ आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, हमने ये भी देख लिया, इसे कहते हैं जब ब्रांच आती है, ब्रांच पे आए तब हमने क्या देख लिया, नेमिंग देख ली। आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जी,
फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो देखते हैं। एक चीज याद रखना, फंक्शनल ग्रुप से पहले एक चीज और आती है वो देखते हैं, ठीक है। वो जो चीज है वो क्या है, हेटरो एटम्स। हेटरो एटम्स, हेटरो एटम्स क्या होते हैं वो देखो, हमें पता था हमारा जो अभी तक कार्बन था वो क्या था, एक हाइड्रोकार्बन था, मतलब कार्बन और उसके चारों तरफ क्या थे, हाइड्रोजन थे। हेटरो एटम्स हमारे वो एटम्स होते हैं जो यहां से, जो हमारे इस स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लें। ठीक है, हेटरो एटम्स क्या होते हैं दोबारा समझो, कार्बन कंपाउंड था हमारा, हमने हाइड्रोकार्बन देखा था कि कार्बन के चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। पर हेटरो एटम्स इतने तेज होते हैं ना कि क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन थे उनको हटा के खुद उसकी जगह पर आके बैठ जाते हैं, वो होते हैं हमारे हेटरो एटम्स। समझ आ गया होगा। हेटरो एटम्स के बाहर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे ये है, ये वाली सीरीज जो हमें दिख रही है, ये हमारा क्या होता है, सबका बॉस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सबका बॉस। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जो हमारे इस कार्बन कंपाउंड की, जो भी मैं कार्बन कंपाउंड तुम्हारे सामने बना दूं, जो भी कार्बन कंपाउंड तुम्हारे सामने बना दूं या तुम देखते हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जो हमारे कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, वो सबके बॉस होते हैं। तो अब इनकी नेमिंग देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो अब देखो क्या है ना, टेबल समझते हैं। टेबल में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, हैलोजन। हैलोजन में हमारे क्या आता है, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। अब इनकी नेमिंग देखते हैं, सबसे पहले हैलोजन्स की नेमिंग देखते हैं। मैंने क्या करा, एक कार्बन चेन ली, मैंने इसमें CN लगा दिया और एक में क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। इनकी नेमिंग देखते हैं, वही कार्बन की लंबी सी चेन सेलेक्ट करनी है, चेन सेलेक्ट कर ली, चार है क्या, ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है एन। अब आता है क्लोरीन की बारी, क्लोरीन कौन से नंबर पर आ रहा है, फिर नेमिंग स्टार्ट करो, नंबरिंग स्टार्ट करो, नंबरिंग करनी है फिर से, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करी, यहां से आएगा चौथे नंबर पे, यहां से आ रहा है दूसरे पहले नंबर पे। तो हम इस वाली सीरीज को लिखे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा क्लोज। तो हमारा कहां पर आ रहा है, पहले पे। एक बात और याद रखना, जो हमारा याला ग्रुप है, पहला ग्रुप जो हमारा फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या लगता है ना, हमारे कार्बन के आगे लगता है, सबसे ये आगे लगता है, ठीक है। तो हम इसका नंबरिंग क्या करेंगे, हमारा क्या लिखा है यहाँ पर हमने, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, पेंट सिंगल बॉन्ड ए, नंबरिंग करी यहां से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, यहां से करी 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से करने पर चौथे पर आ रहा है, यहां से दूसरे पर, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2-bromo-pentane। ये तो होगा इन दोनों की नेमिंग जो जरा सिंपल होती है, ठीक है, हमने इसकी नेमिंग देख ली। अब आती है हमारी अगले का उसकी फंक्शन ग्रुप की नेमिंग, अगले फंक्शन ग्रुप की नेमिंग देखते हैं भाई। मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिखा, अगला फंक्शन ग्रुप क्या है हमारा, एल्कोहल है, जो हमारा फॉर्मूला क्या बनाता है, OH बनाता है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के सब जगह भाई, किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी आ गई है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी आ गई है, बट इसका नेम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। वही सबसे पहले कार्बन की लंबी सी चेन सेलेक्ट करनी है जी, मैंने लंबी सी चेन सेलेक्ट करी जिसमें कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स ऑफ कार्बन है, मतलब पेंट। फिर देखना है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। अब लिखना है इसका नाम, फिर से वही नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा सबसे ज्यादा पास। मैंने यहां से करी नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहां से आ रहा है थर्ड पे, यहां से करी 1 2 3 4 5, यहां से भी थर्ड पे आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, पेंटीन 3। अब एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, OL। क्या लिखते हैं एल्कोहल के लिए, याद रखना एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, OL। नेमिंग में OL लिखते हैं, वैसे OH होता है फॉर्मूला, नेमिंग के लिए OL यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, OL लिखा,
क्या लिखा ओवल। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि देखो ये भी वोवल है ये भी वोवल है तो ये वाला वोवल कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा नेम क्या हो जाएगा पेंटेन थ्री ऑल, समझ आ गया ये हमारा नाम हो गया। क्लियर है, इतना दिक्कत नहीं है कुछ यहाँ पे, ठीक है जी इतना समझ आ गया सबको। अब अगला दोबारा एक एग्जांपल ऑल लेते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है ये, इसकी नेमिंग करनी है फिर से वही लंबी सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ये हमारी लंबी सी कार्बन चेन दिख रही है जी, ठीक है जी कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच को कहते हैं पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है जी, कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ओ माई गॉड क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रांच भी आ गई, फंक्शन ग्रुप भी आ गया। ये क्या बात हो गई, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा फंक्शन ग्रुप ब्रांच और हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाता है तो वहां पे एक सीरीज फॉलो होती है फाइनल फुल और फाइनल। याद रखना क्या कि हमें अब प्रीफरेंस किसको देंगे जब हमारी ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देख रहे हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, अब हमें देखो डबल बॉन्ड आ गया ब्रांच आ गई फंक्शन ग्रुप आया, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, हमने देखा ना जहाँ से ब्रांच आती है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, फिर हमने देखा जहाँ से हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर हमने अभी क्या देखा जहाँ से फंक्शन ग्रुप आता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब तीनों एक साथ आए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सबसे पास हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप आए, फिर हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए और लास्ट में किसको प्रेफरेंस देनी है हमें ब्रांच को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें सब याद रखना है, सीरीज फंक्शन ग्रुप को देखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करनी है, फिर हमें देखना है ब्रांच को, फिर हमें देखना है फिर हमें देखना है डबल ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हमें देखना है ब्रांच को। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी हमने, एक दो तीन चार पांच। तो जब हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी हमने क्या देखा कि चलो भाई हमारा हमने प्रेफरेंस किसको देनी थी डबल बॉन्ड को ब्रांच के मुकाबले, तो हमारी नहीं पहले आ गया तो हमारा ये नंबरिंग हो गया कि पहले पे ब्रांच तीसरे पे पहले पे डबल बॉन्ड तीसरे पे ब्रांच और चौथे पे हमारा फंक्शनल ग्रुप। बट ये नेमिंग हमारी गलत है, नंबरिंग हमारी गलत है, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नजदीक पड़ेगा, एक दो तीन चार और एक पांच, यहां से देखो फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ रहा है ना, हमें फंक्शन ग्रुप को ही देखना है सबसे पहले अभी। तो हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा पेंट था, अब देखो डबल बॉन्ड है, हाँ है डबल बॉन्ड लिखते हैं हम कार्बन के नंबर के बाद, कौन सा नंबर पर आ रहा है चौथे पे, क्या है हमारा डबल बॉन्ड फोर इन, फिर हमें क्या देखना है ब्रांच कौन से नंबर पर ब्रांच आ रही है, एक दो तीन, तीन पे हमारी ब्रांच आ रही है कौन सी है मिथाइल, ठीक है थ्री मिथाइल पेंट फोर इन। अब हमारा बच रहा है क्या फंक्शनल ग्रुप, कौन से नंबर पर आ रहा है फर्स्ट सेकंड, तो टू और फिर यहां पे क्या भाई ई और ओ एक साथ आ गया तो इस ई को एलिमिनेट कर दो, ये हमारा नाम बन गया क्या मिथाइल पेंट फोर इन टू ऑल, ऐसे हम नेम डालते हैं। ये खतरनाक सा नाम दिख रहा है ना, यही बच्चों को डराता है और यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने अल्कोहल की नेमिंग देख ली और हमने प्रेफरेंस भी देख ली, अब देखो क्या है ना कि हमें नेमिंग तो आ गई बस सीरीज याद क्या रखनी है, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देखना है फिर ब्रांच को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फिर ब्रांच को। अब हम करते हैं एल्डिहाइड की नेमिंग, एल्डिहाइड जो हमारा होता है इसको हम दिखाते हैं एल से, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वहां लिखा है सी एच डबल बॉन्ड ओ, क्या सी एच डबल बॉन्ड ओ, यह हमारा एल्डिहाइड का नेमिंग, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली करेंगे ठीक है, सिंपल वाली करते हैं पहले, यह हमारा डबल बॉन्ड ओ और एच लग गया यहां पे जी, ठीक है इसकी नेमिंग करते हैं, नेमिंग करें हमने सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच को कहते हैं पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया एन, कौन से नंबर पर हमारा ये आ रहा है क्या एल्डिहाइड आ रहा है, नंबरिंग करी एक दो तीन चार पांच, यहां से पहले नंबर पर आ रहा है, यहां से करी तो एक दो तीन चार पांच, यहां से पांचवें पर आ रहा है तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करिए, तो हमारा एक पे क्या आ रहा है एल्डिहाइड मतलब अल, फिर देखो एक साथ वोवल्स आ गए इसको हटा दिया पेंट वन अल, ऐसे हम लिखते हैं
पेंटेनल बन गया वैसे हमारा, क्लियर है, समझ आएगा, थोड़ा कॉपी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ गया, नंबरिंग स्टार्ट कर, नेमिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पेंट। फिर कैसे प्रिफरेंस देनी है हमें, हमें पता है फंक्शन ग्रुप को ज्यादा प्रिफरेंस देनी, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी, यहां से। तो क्या हो गया, पहले पे क्या आ रहा है, हम हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं, कौन से पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इन। फंक्शन ग्रुप किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे क्या है, ए एल। तो ये देखो साथ में नहीं आ गए वॉवल्स, इसको हटा दे, तो क्या नाम लिखा, पेंट, थ्री, इन और अल, क्लियर है, ऐसे हम नेमिंग करते हैं। अब एक चीज याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला लगभग सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है वो देखें आप। अब हम देख रहे हैं कीटोन, जिसको हम लिखते हैं वन से, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डबल बॉन्ड ओ। एल्डिहाइड में क्या आता है ना, एल्डिहाइड हमारे पहले कार्बन पर और लास्ट वाले कार्बन पर लगता है, जबकि जो हमारा कीटोन है ना, कीटोन हमारे कीटोन के ना इस तरफ भी एक कार्बन होना चाहिए और इस तरफ भी एक कार्बन होना चाहिए, तभी जाके डबल बॉन्ड ओ जिस कार्बन पे लगा उसे हम कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड पहले लास्ट पे और पहले पे लगते हैं, कीटोन जो हमारा वो बीच में लगता है, पहले और लास्ट पे नहीं लगता है, इनमें यही डिफरेंस है, समझ आ गया, ठीक है जी। तो इसकी नेमिंग करते हैं आप, ओ नेमिंग करी, पहले लंबी सी कार्बन चेन से लग करी, चार कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन, ठीक है जी। अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने, जहाँ से हमारा फंक्शन ग्रुप क्या है, नज़दीक आए, यहाँ से करने पे 1, 2, 3, 4, यहाँ से करने पे 1, 2, 3, 4, यहाँ से करने पे 3 पार था, यहाँ से करने पे 3 पार है, यहाँ से करने पे 2 पार है, तो क्या बना, 2, 1। फिर से इसको एलिमिनेट करने, क्योंकि वॉवल साथ में नहीं आते, ऐसे हम नेमिंग करते हैं। लास्ट हमारा बचा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नाम क्या लिखते हैं, ऑइक एसिड, ठीक है, इसका वो क्या होता है फंक्शन। अब देखो क्या है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा क्या है, कीटोन प्लस एल्कोहल का मिक्सचर है, ठीक है। देखो इसमें डबल बॉन्ड ओ भी लगा पड़ा है और OH भी लगा पड़ा है, मतलब एल्कोहल भी लगा पड़ा है, कीटोन भी लगा पड़ा है, सिर्फ याद करने के लिए है ये चीज, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला याद करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मिक्सचर है हमारा किसका, एल्कोहल का और कीटोन का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये कहीं भी लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे पीछे लास्ट में नेमिंग करते हैं, फिर से लंबी से कार्बन चेन से लग करी, क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। फिर देखा हमने क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, यहाँ को भैया डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, याद रखना, नहीं है जी। तो ये क्या बन गया हमारा, एन। फिर देखो एल्कोहल कौन से पार है हमारा, पहले पार है, तो हमारा क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। यहाँ से नंबरिंग करने पर यह चौथे पार था, यहाँ से नंबरिंग करने पर पहले पार, तो हमने यहाँ से करी। फिर से ई और ओ वॉवल्स, इस वाले को हमने हटाया, तो हमारा ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। फिर अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है, तो डबल नंबरिंग करने पे सेकंड पे डबल बॉन्ड आता है यहाँ, और लेकिन हमारा चौथे पे फिर हमारा क्या आता है, फंक्शन ग्रुप आता है, इसको हम नहीं मान सकते थे, हमने नंबरिंग करी, ठीक है जी। तो क्या हुआ, 1, 2, दूसरे पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, लेकिन ई हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो ई एन, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ब्रांच लगा दूँ इस वाले कार्बन कंपाउंड पे, मैंने ये कार्बन कंपाउंड बनाया, फिर से लंबी सी कार्बन की चेन से ना करी, हाँ जी कर ली। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ब्रांच आ गई, फंक्शन ग्रुप आ गया, नेमिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ता है, नंबरिंग करी 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या नाम होगा इसका, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है जी। 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। डबल बॉन्ड कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है, डबल बॉन्ड को इन। फिर हमें ब्रांच देखनी है, ब्रांच कौन से पे आ रही है, 5 पे, क्या है, मिथाइल, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, फंक्शन ग्रुप कहां पर आ रहा है, पहले पे आ रहा है, क्या है, ऑइक एसिड,
ऑइक एसिड, ओ आर ई में से ई एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा क्या बन गया 5-methyl-pentoin-1st-oic acid, ये हमारी नेमिंग हो गई। इसी के साथ हमारा नेमिंग वाला पार्ट क्या होता है पूरा खत्म होता है।